नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, धरती का भगवान भी कहा जाता है। लेकिन हरियाणा के हिसार में एक महिला ने धरती के भगवान को थप्पड़ जड़ दिया है। दरअसल शुक्रवार करीब 4 बजे सुबह की एक घटना है। एक महिला, साथ में एक युवक, एक युवती को उपचार के लिए हिसार के नागरिक अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर नदारद मिले। उसके बाद आसपास जब देखा गया तो डॉक्टर साहब आराम फरमाते नजर आए। तस्वीरें साथ साथ आप देखते रहिए। और तस्वीरों के दौरान जिस वक्त सोते डॉक्टर को उठाया गया तो महिला की ओर से क्या कहा गया, साथ ही डॉक्टर की ओर से क्या कुछ कहा गया, वो भी आप सुन लीजिए। अब बोलो, आप कौन से डॉक्टर? बुला ले जिसने बुलाना। सौ नंबर पे मिला ले, हल्प वाला पा जाएंगे और तो कोई आऊंगे। बुला ले जिसने बुलाना है। रात को मरीज आपके पास आगा, आप नहीं जाओगे ड्यूटी पे हो तो। इन्होंने 4 बार बोल के गए, आराम तो बैठी है। चुप हो जा। कोई बात नहीं, चलो बुला ले पुलिस ने। बुला बुला ले। तो इस बातचीत के दौरान महिला खुद ही वीडियो बनाती रही। डॉक्टर को कहा भी गया, डॉक्टर से पूछा भी गया कि आप ड्यूटी के वक्त आराम क्यों फरमा रखे हैं जबकि मरीज आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ, नाइट ड्यूटी, आराम सोने लग रहे हो। कहाँ सोया हूँ मैं? वहाँ सोने लग रहे हो। कहाँ सोया हूँ? कहाँ से उठा के लगे हैं? नाइट ड्यूटी, आराम सोने लग रहे हो। कहाँ सोया हूँ मैं? सोन लग रहे हो। कहां से उठा के लगे हैं? कहा सुनी हुई, दोनों को रोकने का प्रयास किया गया लेकिन इस दौरान महिला ने डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। तस्वीर आप देखे। तो डॉक्टर को थप्पड़ जड़ा और उसके बाद डॉक्टर की ओर से साफ शब्दों में ये कहा गया कि जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक काम भी नहीं किया जाएगा। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस के बुलाए जाने के बाद थप्पड़ जड़ने वाली महिला और उसके साथ आए एक और युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तो ये तो देखिए, मामले में कुल मिलाकर जो जानकारी सामने आई वो हमने आपको बताई, लेकिन इस तरह के मामलों को लेकर आपकी राय क्या है? क्या हो जब आप एक मरीज को लेकर पहुंचे और आपको डॉक्टर ना मिले? क्या हो जब डॉक्टर सोया हुआ पाया जाए या फिर आराम फरमाता पाया जाए, आप डॉक्टर को जगाने जाए और मरीज की जान पर बनी? ऐसे में एक आम आदमी क्या कर सकता है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हालांकि थप्पड़ मारना बिल्कुल भी जायज नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन एक आम इंसान उपचार के लिए क्या करे? और क्या यही कारण है कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स का जो रवैया है उसी के चलते लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाना ज्यादा पसंद करते हैं? हालांकि महिला की ओर से कहा गया कि वो इस वीडियो को हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को भी भेजेंगी। तो क्या कुछ इस मामले में पुलिसिया कार्रवाई के अलावा होता है, ये भी अपने आप में देखने वाली बात रहेगी।